हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर मेकअप वीडियो। आज के वीडियो में मैं ऑब्वियसली ये वाला लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा टर्न आउट हुआ है मेकअप। गाइस, ये वाला वीडियो पूरा ज़रूर देखना, ज़्यादा बकवक ना करके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने मेरे स्किन को अच्छे से प्रेप ऑलरेडी कर लिया है। देन मैं यहाँ पर प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर मार्स का। बहुत ही अच्छा ग्लो दे देता है ये वाला प्राइमर, तो अच्छे से लगा लिया। देन यहाँ पर फाउंडेशन के लिए मैं एक फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये है इबा कॉस्मेटिक का मस्ट हैव फाउंडेशन। अच्छे से इसको डॉट डॉट कर लिया, नेक पे भी डॉट डॉट कर लेना है आपको। देन मैं यहाँ पर एक ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ, इबा कॉस्मेटिक का। बहुत ही अच्छा शेड है। थोड़ा सा चीक पे, देन नोज़ पे थोड़ा सा लगा के वही ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। देन यहाँ पर मैं कॉन्टरिंग करूँगी अपने फेस को थोड़ा शेप देने के लिए। यहाँ पर चीक पे और नोज़ पे, जो लाइन पे मैंने जहाँ जहाँ लगाया वहाँ पर आपको लगाना है। देन एक ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, NYBA का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जो कंसीलर का शेड यूज़ कर रही हूँ वो हाईलाइटिंग करने के लिए थोड़ा लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे कंसील करना था, देन हाईलाइट करना था, अच्छे से करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ही। गाइज, आपको अगर ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से कलर करेक्शन कर लेना, देन आप कंसीलर यूज़ करना। फिर यहाँ पर मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए, क्योंकि समर्स ऑलरेडी आ गया है। समर्स में मेकअप को अच्छे से सेट करना चाहिए। देन यहाँ पर मैं ब्यूटी स्पॉन्ज में सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करके अपने फेस पर अच्छे से मतलब डेप कर रही हूँ, क्योंकि वो जो पाउडर प्रोडक्ट है वो क्रीम प्रोडक्ट के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए और हमारा जो बेस है वो बहुत ही नेचुरल दिखे। फिर यहाँ पर मैं आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी। पहले आईब्रोज़ को कॉम कर लिया, देन यहाँ पर पाउडर प्रोडक्ट के साथ मैं यहाँ पर स्ट्रोक करके फिल इन कर रही हूँ। देन ब्रश आउट कर लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आईज़ की तरफ। यहाँ पर मैं प्लम का काजल लेकर आउटलाइन कर रही हूँ आईलिड पे। देन थोड़ा सा विंग क्रिएट किया, फिर स्मज कर रही हूँ अच्छे से उसको, थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो ऊपर लगा के। फिर मैंने एक ब्राउन कलर लिया, फिर क्रीज़ पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। क्रीज़ के ऊपर ब्लेंड करते हुए आपको क्रीज़ के थोड़ा सा ऊपर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं वही लाइटर शेड लेकर और थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। देन आपको एक डार्क ब्राउन शेड लेना है, आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट करके उसको इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करना है। वही दूसरे आई पे भी वैसे किया हूँ। नेक्स्ट मैंने एजेस को थोड़ा क्लीन करने के लिए कंसीलर यूज़ किया है। फिर मैंने यहाँ पर लैक्मे का आईलाइनर यूज़ किया है। थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे विंग क्रिएट किया है, दोनों आईज़ पे अच्छे से एक विंग क्रिएट किया है। फिर नेक्स्ट गाइज, आपको लोअर लैश लाइन पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर इनर कॉर्नर की तरफ एक ग्लिटर ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन काइंड ऑफ कलर लेकर सिर्फ इनर कॉर्नर की तरफ अच्छे से लगा लिया, जो कि एक पॉप ऑफ आई वाला लुक आता है। बहुत ही अच्छा दिखता है, ख़ास करके समर्स में ये वाला आई लुक बहुत ही गॉर्जियस लगता है। तो दोनों आईलिड पे इनर कॉर्नर की तरफ सिर्फ लगाया हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, दोनों आई शेडो को मिक्स कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा हाइलाइटर लेके लगाई हूँ। फिर काजल के साथ अपना आई लुक कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पाउडर ब्लश लगाया है। पहले क्रीम ब्लश लगाया था, देन पाउडर ब्लश लगाने से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। फिर यहाँ पर मैंने मस्करा यूज़ किया है, अच्छे से एक कोट कर लिया है। ज़्यादा दो कोट नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं आईलैशेस यूज़ करूँगी। तो अच्छे से आपको मस्करा को लगा लेना है। देन जहाँ जहाँ पर मुझे हाईलाइटिंग करना था, चीक पे, नोज़ पे एंड चिन पे,
अच्छे से हाइलाइटिंग कर लिया हूँ। यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ किया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिप को लाइन करने के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक का लिप लाइनर यूज़ किया है। देन यहाँ पर मार्स का लिप क्रियोन से एक न्यूट्रल पिंकिस न्यूड कलर है, अच्छे से लिप को फिल कर दिया, देन ब्लेंड कर दिया। लाइनर बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए, अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए लिपस्टिक के साथ। यहाँ पर मेरा लुक कंप्लीट होता है। आप लोगों को मेरा ये वाला लुक कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना।